तो हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के बचे हुए पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि लास्ट दो क्लासेस में हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह को कंप्लीट किया था। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, जो कि पूरे मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना अकबर। इसको हम कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर साल कम से कम, अगर मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन 10 आए हैं ना, तो 10 में से कम 3 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे अकबर से। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो 15 से 20 मिनट की बने और आप उसको आराम से देख करके उसको रिवाइज कर लो। इसमें अभी एक चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, अकबर की मनसबदारी सिस्टम को। उसको जब इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद हम मनसबदारी सिस्टम पे आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अपने को एक एक बूंद पसीने की कीमत अपने को अदा करनी है, चाहे कैसे भी करना हो, सिर्फ उसका एक ही रिजल्ट है, कैसे, सिलेक्शन पा करके। हमें सेलेक्ट हो जाना है किसी भी एग्ज़ाम में, बस अपनी जितनी मेहनत है सब की सब क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्रूटफुल अपना रिजल्ट दे देंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को मेडिवल हिस्ट्री के। तो देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कौन हो जाएंगे, अकबर। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आने ही आने हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज टॉपिक में अकबर को। देखिए, फर्स्ट पॉइंट उसका क्या है, ही वॉज द सन ऑफ हुमायूं। ठीक, हुमायूं के बेटे कौन थे, अकबर। सबसे उसका बड़ा बेटा, सबसे एल्डेस्ट सन था अकबर। 14 साल की एज में ही वॉज क्राउन्ड एट कालानौर। ठीक है, तो क्या है, सबसे कम एज में अकबर का कोरोनेशन हुआ था। कितने साल, महज 14 साल की उम्र में इनका कोरोनेशन हो गया था, और वो कब हुआ था, 1556 में। कहाँ पे, कालनौर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कैप्चर्ड सिरहिंद फ्रॉम द सिकंदर शाह 1555 में। मतलब सोचिए आप, कितने कम एज में, 1555, मतलब कि उनका कोरोनेशन हुआ था 56 में, और उससे एक साल पहले की बात हो रही है। मतलब महज 13 से 14 साल की एज में उन्होंने सिरहिंद को कैप्चर कर लिया था सिकंदर शाह से, करेक्ट। फिर अकबर वर्सेज हेमू की एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, अकबर वर्सेज हेमू में क्या हुआ था, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हो गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1226 में। ठीक है, और ये जो बैटल हुआ है कब, ये रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, जो ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो इसका रिजल्ट क्या था, अकबर ने दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया, फिर से कैप्चर कर लिया, करेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हो गया था, 1526 में, और सेकंड वाला कब हो गया है, 1555 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये दोनों बैटल ऑफ पानीपत। आगे इसमें देखिए, अकबर का जो डेक्कन का कैंपेन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अहमदनगर को कंकर करके। जब अहमदनगर पे अकबर ने अपनी पूरी विजय को प्राप्त की थी, तो वहां से उनका डेक्कन का जो पॉलिसी था वो स्टार्ट हुआ, डेक्कन का जो एक्सपेंशन था वो स्टार्ट हुआ था। अकबर ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी फॉलो की, किसके रिस्पेक्ट में, राजपूत के रिस्पेक्ट में। क्योंकि राजपूत का क्या था कि ठीक है, वो काम अगर कोई रहता था, किसी के सपोर्ट में करना होता तो उसको कर देते थे, लेकिन आप उनके किसी पर्सनल काम में इंटरफेयर ना करिए, तो वो बात अकबर को पता चल गई थी। तो उसने क्या किया, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को फॉलो किया, किसको लेकर के, राजपूत को लेकर के। इसके आगे देखिए, अकबर क्या हुआ था, गुजरात पे इसने कैप्चर किया था, गुजरात को इसने कंकर किया था कब, 1572 में, और उसी की खुशी में, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उस खुशी को जाहिर करने के लिए उसने क्या किया, बुलंद दरवाजा को बिल्डअप किया। बुलंद दरवाजा कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। तो उसको क्या बोलना है कि 1572 में जब अकबर ने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त की, तो उसी खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। ये जितने भी पॉइंटर्स हैं ना, सब के सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन इनके आगे पीछे से कुछ आना ही नहीं है, जिसको भी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम मनसबदारी सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिए, राजा मान सिंह ने कंकर क्या किया था अकबर के लिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीन स्टेट्स को, बिहार को, बंगाल को, उड़ीसा को किसने कैप्चर किया था, राजा मान सिंह ने, किसके लिए, अकबर के लिए। फिर 1526 में क्या कैप्चर हुआ था, काश्मीर, और 1593 में क्या कैप्चर हुआ था, सिंध। तो जितने भी स्टेट्स हैं जो कि किस किस ईयर में कैप्चर हो रहे हैं, ये पूछता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कि अकबर कैप्चर फॉलोइंग स्टेट्स इन विच ईयर्स, फिर स्टेट दे देगा, ईयर दे देगा, बोल देगा मैच करने के लिए। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसलिए इसको मेंशन कराया जा रहा है। और अपने डेथ के टाइम पे
इसके एम्पायर में देखिए कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड हो चुके थे, इसके एम्पायर की मतलब जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ना, वो अब देखो कहाँ तक वो फैली हुई थी। कश्मीर पूरा कैप्चर था, सिंध, कांधार एक्सटेंडेड टिल द गोदावरी इन साउथ। मतलब कि अगर आप इसको मैप पे अगर हम देखना चाहें तो एक जनरल अगर मैप बना लें इंडिया का कुछ इस तरीके से, तो आप देखिए ये अगर मैप है तो पूरा ये कश्मीर का एरिया, इधर पूरा कांधार और इधर दक्कन में गोदावरी तक, मतलब कुछ इस तरीके से मुगल एम्पायर पूरा कैप्चर हो चुका था। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। तो एक इम्पोर्टेंट रूलर है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया। इसको चीज़ें पता थी कि किसके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, किसको किस तरीके से अपने टीम के अंदर लेना है। ही वॉज वेल मास्टर्ड इन दिस स्किल, ठीक है। और देखिए ही हैड सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बखूबी पता थी, इसको अच्छे चीज़ें पता थी कि जब सेंट्रलाइज पोजिशंस रहेगी तो किंग के पास, सुल्तान के पास या फिर एम्परर के पास जितना ज़्यादा पावर रहेगा अंपायर उतने अच्छे तरीके से चल पाएगा बिना किसी अदर पार्टी के इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो इधर ही अपना पार्ट हो गया फैक्चुअल रिलेटेड टू अकबर। अब दूसरी तरफ देखते हैं कुछ और फैक्चुअल चीज़ें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया, ही अबॉलिश जजिया, एक टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे, मेनली हिंदूज पे लगता था, हिंदूज ही होते थे, और इसमें ब्राह्मण्स को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो जो टैक्स होता था उसको क्या किया अकबर ने, अबॉलिश किया, उसको खत्म कर दिया, और पिलग्रिमेज टैक्स को भी खत्म किया। जो लोग जाते थे ना दर्शन करने के लिए भक्ति भाव से कहीं पे, किसी जैसे केदारनाथ चले गए, ठीक है, काशी विश्वनाथ की तरफ आ गए, तो जितने लोग जाया करते थे पूजा पाठ करने के लिए, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। तो उसको भी अकबर ने क्या किया, एबॉलिश किया। तो जजिया को एबॉलिश किया गया और पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश किया गया। जजिया किस पे लगाया जाता था? नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक। और पिलग्रिमेज टैक्स क्या था, जो हम लोग जाते थे ना पूजा पाठ करने के लिए, कहीं दर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर जो आदमी जाता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। सुलह एकुल पे बिलीव करते थे। सुलह एकुल मतलब क्या होता है? पीस फॉर ऑल, सभी के लिए शांति, ठीक। तो ही बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ सुलह एक कुल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इबादत खाना के इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने को कंस्ट्रक्शन जो कराया गया था वो इसलिए कराया गया था ताकि आप किसी भी रिलीजियस मैटर पे, किसी भी रिलीजियस जो हेड होते हैं उन लोग के साथ आप बैठ करके किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सको और उसका एक फाइनल रिजल्ट आ सके। तो इबादत खाना डेवलप किस लिए गया था? डेवलप इसलिए किया गया था रिलीजियस मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। रिलीजियस मैटर्स इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया था? इबादत खाना। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, करेक्ट। आगे देखिए रॉल्फ फिच 1585 में। रॉल्फ फिच कौन था? फर्स्ट इंग्लिश मैन, फर्स्ट ब्रिटिश मैन, जो कि कम कहाँ पे आया था? अकबर के कोर्ट में 1585 में। इसको भी याद रखना है। फिर देखिए अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। जो मुगल कोर्ट की जो लैंग्वेज थी ना वो थी पर्शियन लैंग्वेज। जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की। और ही कल्मिनेटेड दीने इलाही, ठीक है। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था किसका? दीने इलाही का, ठीक है। मतलब कि सब सब में सुप्रीम, जितनी भी मुगल अंपायर थी उन सब में सुप्रीम कौन था? अकबर था। खुद खुद को उसने टाइटल क्या दिया था? दीने इलाही। इसको बोलते हैं शेडो ऑफ द गॉड या फिर शेडो ऑफ द प्रॉफिट। तो उनके सारे मैसेजेस को जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना और खुद को सबसे सुप्रीम बताना, वो पॉलिसी किसको बोलते हैं? दीन इलाही को। और उसको किसने लिया था? अकबर ने। फर्स्ट मुगल हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इनका सीधा सीधा कहना था कि धर्म राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए या फिर राजनीति धर्म के अंदर नहीं जानी चाहिए। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दोनों को अकबर ने अलग अलग अच्छे से मेंटेन भी किया था। तो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अकबर पूरे तरीके से अलग अलग रखा था, सेपरेट रखा था, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था अकबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें सारी पॉइंट्स को कवर किया जो भी एग्जाम के एग्जाम में आपके आते हैं। अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फ्री होकर पढ़ना है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए। आप इसको एज अ सपोर्ट ले सकते हैं, इसको आप एज अ हेल्प ले सकते हैं अपने बेस को मजबूत करने के लिए अभी, और एग्जाम जब आपका नज़दीक आया तो उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेस्ट फॉर द रिविजन। आप कहीं भी 40-45 मिनट के वीडियो के पीछे मत जाइए, आराम से रहिए। 10-15 मिनट के बीच, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट की वीडियो बनेगी। इसको देख करके इसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर सारे वो पॉइंटर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, प्लस घटना चक्र के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है मनसबदारी सिस्टम, उसको हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ से हिस्सों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे उसको समझाने में।
क्योंकि वो क्या थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, मनसबदारी सिस्टम जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, और अफगान की तरफ से उसको प्रैक्टिस किया जाता था, क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इंडिया में जो फर्स्ट उसको इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन हो गया, अकबर। तो आप देखो यहाँ पे मनसबदारी, ये आपका इन्वेंट कब हुआ था, ये साल लागू हुआ था 1571 में, 1571 में, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम क्या थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। देखिए देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, रैंकिंग्स दिए जाते थे डिफरेंट ऑफिशियल्स को। मनसबदारी का मतलब होता था रैंकिंग टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। और वो कैसे ऑफिशियल्स होते थे, दोनों सिविल भी और मिलिट्री भी। अब देखिए मनसबदारी के अंदर डिवीजन कैसा हुआ था, ये देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो था आपका जाट रैंक, और दूसरा था वो क्या था आपका, सवार रैंक, ठीक है। अब अपने को जाट समझना है कि जात क्या होता है, तो जात बताता था रैंक को और सैलरी को, किसके रैंक और सैलरी को, मनसबदार के, ठीक है। मनसबदार का रैंक क्या रहेगा, मनसबदार की सैलरी क्या रहेगी, वो कौन बताता था, जात रैंक। और जो सवार होता था ये आपको बताता था कैवेलरी रैंक। कैवेलरी रैंक इन द सेंस कि आपके पास कितने ज्यादा हॉर्सेज हैं, या फिर कितने ज्यादा हॉर्समैन हैं, घुड़सवार। तो इसका डिस्क्रिप्शन कौन बताता था, सवार। पहला हो गया जाट, दूसरा हो गया सवार, ठीक है। ये दोनों इंडिकेट क्या करते थे, एक करता था रैंक और सैलरी को, और सवार किसको इंडिकेट करता था, हॉर्स को और हॉर्समैन को, ठीक। यहां तक आप समझ गए। अब इसमें आगे देखिए, जो इन मनसबदार की जो सैलरी दी जाती थी ना, ये देखिए, इनकी जो सैलरी दी जाती थी, ये दी जाती थी दो फॉर्म में, एक होता था कैश में और एक होता था टैक्स के फॉर्म में, या फिर रेवेन्यू के फॉर्म में। तो हर वो मनसबदार जिसको कि कैश के फॉर्म में सैलरी दी जाती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, नकदी। एक वर्ड होता है ना नगद, नगद मतलब होता है, नगद मतलब क्या होता है, कैश। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नकदी। और हर वो मनसबदार जिसको कि रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स सैलरी दी जाती थी, या फिर टैक्स के फॉर्म में सैलरी दी जाती थी, हमसे बोला जाता था कि ठीक है आप जाइए, जा करके पर्टिकुलर विलेज से, पर्टिकुलर यूनिट से अपने टैक्स को कलेक्ट करिए, और अब उसमें आपकी सैलरी होगी उसको रख के बाकी आप स्टेट को वापस कर देना। तो उनको क्या बोलते थे हम लोग, जागीरदार। जो जो जागीर से पैसा लेता था, जो जो उस जगह से लेता था पैसा रेवेन्यू के से कलेक्ट करके हर जगह से, वो क्या होता था, जागीरदार हो जाता था, ठीक है। अब एक मेन चीज देखिए, जो अपनी मनसबदारी सिस्टम जो थी ना, जो मनसबदारी का जो रैंक हुआ करता था, फिर मनसबदारी का जो पोस्ट था, वो जब तक अकबर था तब तक क्या था, तब तक क्या नहीं था, था नहीं, क्या नहीं था, हेरिडिटरी इन नेचर। देखिए ये जो हेरिडिटरी नेचर है वो नहीं रहेगा, जब तक अकबर था तब तक हेरिडिटरी नेचर नहीं है वो चीज, ठीक है। वो वंशवाद नहीं है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाएगा। अगर आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म किया है तो फिर आपको मिली है, अगर आप ड्यूटी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी। वो ट्रांसफरेबल इन सिस्टम था, हेरिडिटरी नहीं था कि आप मनसबदार होगे तो फिर आपका बेटा भी मनसबदार होगा, फिर उसका बेटा मनसबदार होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेरिडिटरी नेचर नहीं था, ये इसको आप लिखिए दो ना कि नॉट, नॉट हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है। अब देखिए एक आखिरी पॉइंट बस देख लीजिए, किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी अकबर के बाद। हाँ, हेरिडिटरी नेचर नहीं है। अब जब तक अकबर था तब तक टोटल वो कितने मेंटेन करके रखा था मनसबदार को, कितने, 1803। और अकबर के जाने जाने तक मनसबदार, या फिर उसके जस्ट इमीडिएट बाद में अकबर, पोस्ट अकबर में, अकबर के बाद में कितने टोटल हो गए थे, 14,499, मोस्ट प्रोबेबल 14,500, ठीक है। अब इतने मनसबदार उसको मेंटेन करने में स्टेट्स की हालत खराब हो जाती थी, ठीक है। वो तो पहले थोड़े कम थे तो चलो मेंटेन हो जाया करते थे, बाद में इसमें जब इतने ज्यादा मनसबदार की रैंकिंग बढ़ने लगी, उनका नंबर बढ़ने लगा ना, तो एक टर्म मेडिवल हिस्ट्री में आता है जागीरदारी क्राइसिस। क्या आता है, जागीरदारी क्राइसिस,
क्राइसिस। इसमें क्या हो गया था ना कि जब इतने ज्यादा मनसबदार बढ़ गए, देखो अब किसको इनको मेंटेन किया गया था 1800 पे, ठीक 1800 मनसबदार को मेंटेन किया गया था, वो बढ़ के होगा 14,500, मतलब ज्यादा ही बढ़ गए, 10 टाइम्स बढ़ गए वो। तो क्या हो गया, जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस मतलब क्या हुई ना कि चलो ठीक है, जिनको कैश देना था उनको तो चलो मिल जाता था, अब उस समय धीरे धीरे स्टेट भी कमजोर पड़ने लगा, ट्रेजरी भी कमजोर पड़ने लगी थी। तो उसमें क्या हो गया ना कि मैक्सिमम जो भी जागीरदार होते थे उनको आदमी किधर भेज देता था, यूनिट ऑफ लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। ठीक, अब जब इतने ज्यादा जागीरदार बढ़ जाएंगे तो फिर यूनिट ऑफ लैंड भी तो एक लिमिटेड ही है ना, सब पहुंच के अपना कैश कलेक्ट करने के लिए सब पहुंच जाते थे अपना सैलरी लेने के लिए। अब वहां पे क्या होता था, अब इसमें क्या हो जाता था ना कि एक एक यूनिट ऑफ लैंड से, एक एक यूनिट ऑफ विलेज से 10 10 जागीरदार पहुंच जा रहे हैं कैश कलेक्ट करने के लिए। तो वहां पे क्या होने लगा, जागीरदारी क्राइसिस आने लगी। जागीरदारी क्राइसिस इन द सेंस की उनको अपनी सैलरी मिल ही नहीं पा रही थी, जिन सैलरी पे उनको रखा गया था, जिस जात रैंक पर सवार रैंक पर उनको रखा गया था, वो उनकी सैलरी पूरी फुलफिल हो ही नहीं पा रही थी। तो वहां पे वो रिवोल्ट कर दी, वहां पे कहा क्या होने लगी, जागीरदारी क्राइसिस होने लगी। ठीक है, तो जब तक अकबर था चीजों को मेंटेन करके रखा था, उसके बाद में चीजें उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाई थी। करेक्ट, तो एक ये था मनसबदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट, इसको भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, रैंकिंग होती थी किसकी, ऑफिशियल्स की, सिविल ऑफिशियल्स की भी, मिलिट्री ऑफिशियल्स की। जात रैंक होता था, सवार रैंक होता था। जात रैंक क्या होता था, रैंक और सैलरी होती थी, और जो सवार होता था वो नंबर ऑफ कैवलरी मैन या फिर हॉर्समैन को इंडिकेट करता था। ठीक है, 1571 में स्टार्ट हुआ है, अकबर फर्स्ट रूलर था इंडिया में जो कि मनसबदारी सिस्टम को लेकर के आया था। इसके पहले कहाँ पे रहता था, अफगान में रहता था, इसके पहले आ चुका था। वहां पे कॉन्सेप्ट होता था 10:20 का, 10:20 का, 10:20, कि अगर आपकी सवार ये जात रैंक है 10, तो आपकी सवार रैंक होगी 20, इस तरीके से चला करता था। ठीक है, तो ये इसका टॉपिक था मुगल अंपायर में अकबर का। अगली क्लास में हम शाहजहां और औरंगजेब दोनों को एक साथ में खत्म करेंगे, ताकि उसके बाद हम स्टार्ट कर सके मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, जब ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों एक साथ खत्म होंगे, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हिस्ट्री। अब बस वहां से स्टार्ट कर देंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को। आज शाम को जो क्लास पड़ेगी वो ज्योग्राफी की क्लास पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी की। कुछ दिन से अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था सेशन, तो उसकी वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी। आज जो क्लास अपलोड होगी अपनी इंडियन ज्योग्राफी की, बस वही मेन टारगेट ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मेन टारगेट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, या फिर प्रीलिम्स का पेपर छोड़िए, आप मान के चलिए कि अक्टूबर के सेकेंड वीक से हम लोग फिर मेंस पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को लाना शुरू कर देंगे, तो अभी अपना टारगेट एरिया है ये प्रीलिम्स। और देखिए, 1 या 2 दिन के अंदर पॉलिटी और इकोनॉमी का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब लोग अपना सपोर्ट किए रहिए, लेक्चर्स को देखिए। ये बिल्कुल मत देखिए कि एक ही टीचर या फिर दो ही लोग मिलकर के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप कंटेंट पे जाइए, अगर आपको कंटेंट गड़बड़ लगता है फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर ये आप पढ़ाए हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।